इस कहानी में एक आदमी रिमोट से टाइम को कंट्रोल करता है, फिर वो हर किसी के साथ टप्पा टप करता है और अपनी हवस मिटाता है। कहानी के शुरू होते ही हम माइकल नाम के बंदे को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ डोरा और दो बच्चे समांथा और केविन होते हैं। माइकल एक बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है और उसके बिजी रहने की वजह से वो अपने बच्चे की स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं पहुँच पाता। माइकल का बॉस उसे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर देता है। माइकल उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को बताता है, मुझे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट के चलते हो सकता है हमें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़े। ये सुनकर डोरा थोड़ा अपसेट हो जाती है। इसके बाद माइकल अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री देखता है जिसके लिए वो रिमोट उठाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही काफी सारे रिमोट थे। वो एक रिमोट उठाकर बटन दबाता है तो वो रिमोट टॉय हेलीकॉप्टर का होता है और वो हेलीकॉप्टर उसके सर पर आकर लगता है। वो परेशान होकर मार्केट से एक यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए चला जाता है। फिर वो एक शॉप में जाकर शॉपकीपर एक यूनिवर्सल रिमोट मांगता है। वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन माइकल को इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है और फिर वो एक बेड देखता है जहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए उस पर लेट जाता है। वो वहाँ से दूसरी तरफ देखता है, तब उसे एक और शॉप दिखती है और वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसे मॉडी नाम का बंदा मिलता है। वो उसे एक यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, फिर मॉडी उसे एक रिमोट उठाकर देता है और माइकल को बताता है ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो माइकल से कहता है, मैं तुम्हें ये रिमोट दे तो रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे इसे वापस नहीं लूंगा। माइकल को उसकी ये बात बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद वो रिमोट लेकर अपने घर पर आ जाता है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ डोरा आ जाती है। वो ट्रिप की बात को लेकर उससे झगड़ा करने लगती है। तभी माइकल से रिमोट का पॉज बटन दब जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तब डोरा रुक चुकी थी। फिर वो प्ले बटन प्रेस करता है तब डोरा फिर से ठीक हो जाती है। इस टाइम वो ये चीज नोटिस नहीं करता। इसके बाद वो अपने बेसमेंट में जाकर काम करने लगता है जहाँ पर उसका कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा था। फिर माइकल मजाक में रिमोट उठाकर वॉल्यूम कम करने लगता है और इससे कुत्ते की आवाज बहुत ही कम हो जाती है। ये सब देखकर माइकल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। फिर माइकल मॉडी से मिलने के लिए जाता और वो मॉडी से कहता है, मैं उस दिन तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, तुमने मुझे एक जादुई रिमोट दे दिया है। मॉडी उससे कहता है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल रिमोट है जिससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तुम इससे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर मॉडी उससे रिमोट का मेन्यू बटन दबाने के लिए कहता है। जब माइकल मेन्यू बटन दबाता है तब उसकी लाइफ की सारी यादें उसके सामने आ जाती हैं। वो देखता है वो कब पैदा हुआ था और उसके बाद वो देखता है वो अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर उसके डैड उसे एक कॉइन की ट्रिक दिखा रहे होते हैं जहाँ पर वो उस कॉइन को मुंह में डालकर उसे गायब कर लेते हैं। ये देखकर मॉडी भी हैरान हो जाता है और वो माइकल से पूछता है, आखिर ये उन्होंने कैसे किया। तब माइकल उसे बताता है, ये एक खास तरह का कॉइन होता है जो सिर्फ खाने के लिए बना होता है। इसके बाद वो एक और बटन दबाता है और फिर से वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। फिर मॉडी माइकल को अपना कार्ड देता है, अगर माइकल को कुछ भी जानना हो तो वो उसे कॉल कर सके। फिर माइकल अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस माइकल से कहता है, अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हारा प्रमोशन एकदम पक्का है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लो। इसके अगले सीन में माइकल घर पर आ जाता है और डोरा उसके पेरेंट्स को डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम था। माइकल के मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है क्योंकि माइकल बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए वो अपने रिमोट से उसके पेरेंट्स के सारे मोमेंट्स स्किप कर देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ पर डोरा आ जाती है और वो उसे कहती है, तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन उन्हें लंच के लिए इनवाइट करोगे, लेकिन माइकल को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कब कहा क्योंकि उसने सारे मोमेंट्स स्किप कर दिए थे। इसके बाद माइकल मॉडी को कॉल करता है और जैसे ही मॉडी को कॉल करता है मॉडी उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। फिर माइकल बाहर आकर उससे बातें करने लगता है और मॉडी उसे समझाता है, तुम जब भी फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तब तुम्हारी लाइफ भी ऑटो पायलट की तरह चलने लगती है, तुमने इन सब से उस बीच जो भी बातें की होंगी और उसी दौरान तुमने ये सब कह दिया होगा। इसके अगले दिन हम देखते हैं माइकल की जैपनीज क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। फिर जैपनीज एक साइट में जाकर आपस में बात करने लगते हैं। तब माइकल अपने रिमोट से वॉल्यूम का बटन दबाकर और लैंग्वेज सेलेक्ट करके उनकी बातें सुन लेता है और जैसा वो लोग चाहते थे प्रोजेक्ट में वैसा चेंजेस करके डील को फाइनल कर देता है। इसके बाद माइकल का बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिर ये माइकल ने कैसे किया। प्रोजेक्ट के मिलने के बाद माइकल भी बहुत खुश होता है। वो अपने बच्चों के लिए साइकिल और डोरा के लिए एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीद कर लाता है। फिर वो डोरा को बताता है कि उसका जल्दी ही प्रमोशन होने वाला है। ये सुनकर डोरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने बॉस से जाकर मिलता है तब उसका बॉस कहता है, तुम्हें और भी प्रोजेक्ट करने होंगे, इसके बाद ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तुम्हें 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। ये सुनने के बाद माइकल का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बॉस से कहता है, ये सब क्या है, मैंने अपने प्रमोशन की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली है और अपने काफी सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। उसका बॉस कहता है, मुझे ये सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टाइम को रोक अपने बॉस को 3-4 थप्पड़ मारता है, फिर टाइम को नॉर्मल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो मॉडी के पास जाकर कहता है, मैं अपनी लाइफ को 3 महीने फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं,
लेकिन मॉडी उसे ये सब करने से मना करता है क्योंकि अगर उसने ये सब किया तो वो अपनी लाइफ के इन 3 महीनों में काफी कुछ मिस कर देगा। उसकी बात सुनकर माइकल मान जाता है और घर आकर वो अपना काम करने लगता है। वो काफी ज्यादा परेशान होता है जिसके चलते वो अपने बच्चों को भी डांट देता है और बाद में इस बात का उसे भी बुरा लगता है। गुस्से में आकर वो अपनी लाइफ को 3 महीने फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और फिर वो अपने आप को एक पार्टी में देखता है जहाँ पर सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। उसका बॉस उसे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपनी गर्लफ्रेंड जैनी से उसे मिलवाता है। फिर यहाँ पर माइकल को रियलाइज होता है उसे प्रमोशन पाने में 2 साल लग गए हैं और उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिए हैं। फिर वो अपने घर पर पहुँचता है, अब उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके हैं। फिर वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और रिमोट टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। ये देखकर माइकल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो मॉडी को कॉल लगाता है और मॉडी अचानक से उसके सामने होता है जिससे देखकर वो डर जाता है। फिर वो मॉडी से पूछता है आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तब मॉडी उसे बताता है तुमने अपनी लाइफ के 2 साल मिस कर दिए हैं और उस टाइम तुमने जो भी पल फास्ट फॉरवर्ड किए होंगे वो सभी पल ऑटो फॉरवर्ड में चले गए हैं, इसलिए वो पल ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो रहे हैं। फिर माइकल गुस्से में आकर उस रिमोट को फेंकता है लेकिन वो रिमोट फिर से उसके पास आ जाता है। फिर माइकल उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो रिमोट टूटता भी नहीं। फिर माइकल समझ जाता है अब ये रिमोट उससे कभी दूर नहीं होगा। इसके बाद माइकल ऑफिस पहुंचता है। फिर उसका बॉस कहता है मैं और जैनी अपनी लाइफ कहीं और बिताने के बारे में सोच रहे हैं जिससे मेरी पोजीशन पर एरिक लेमन और उसकी पोजीशन पर तुम होगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो जल्दी ही तुम इस कंपनी के CEO बन जाओगे। ये सुनकर माइकल काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन तभी उसके रिमोट से फिर से उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर वो सोया हुआ था। तभी वहाँ पर उसे उसके बॉस का वीडियो कॉल आता है और वो माइकल को बताता है एरिक लेमन ने सुसाइड कर ली है और अब कंपनी के CEO तुम ही बनोगे और इस सब में 10 साल गुजर चुके थे। फिर माइकल उठता है और वो अपने आप को देखता है। वो अब काफी मोटा हो चुका था। जब वो घर पर जाकर देखता है तब उसका बेटा भी उसी की तरह मोटा हो चुका था। इसके बाद वो अपनी बेटी समानता से मिलता है। वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और सुंदर भी। फिर वो अपनी वाइफ डोरा के पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है डोरा ने अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए दूसरे बंदे से शादी कर ली थी। फिर वो रिमोट से सब कुछ पॉज कर देता है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इस सब का जिम्मेदार मॉडी को बताता है। तभी मॉडी वहां पर पहुंच जाता है और वो माइकल से कहता है तुमने ये लाइफ खुद चूज की थी क्योंकि तुमने हमेशा अपनी फैमिली और काम के बीच काम को ही चुना जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। फिर जैसे ही माइकल प्ले का बटन दबाता है तभी डोरा का कुत्ता माइकल पर हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर अगले सीन में जब माइकल को होश आता है तब वो देखता है उसकी बॉडी की चर्बी गायब हो चुकी है, अब वो ठीक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ उसे बताती है तुम्हें कैंसर हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारा वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा था लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और तुम्हें ठीक होने में 6 साल लग गए हैं। जिसे सुनकर माइकल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 6 साल और खो दिए हैं। इसके बाद वो कंपनी में जाता है और उसने काफी कुछ अचीव कर लिया था लेकिन अब वो इस सबसे खुश नहीं था। इसके बाद वो अपने बेटे केविन को देखता है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर माइकल केविन से कहता है मुझे अपने डैड से मिलना है। तब केविन उसे बताता है ग्रैंडफादर को गुजरे काफी साल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद माइकल बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर वो अपने डैड की कब्र पर जाता है, वो अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो फिर से अपने रिमोट का बटन दबाकर अपनी मेमोरीज में जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसके फादर की डेथ हुई थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर मॉडी आ जाता है और उससे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उस समय में नहीं जा सकते जहाँ पर तुम थे ही नहीं क्योंकि जब उसके फादर की मौत हुई थी तब माइकल वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वो उस समय में जाता है जब उसके फादर से उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी और वो उस टाइम में चला जाता है और वो काफी बिजी होता है। वहाँ पर उसके डैड आते हैं और वो उससे बाहर चलकर घूमने के लिए कहते हैं लेकिन माइकल अपने डैड पर गुस्सा करके वहां से जाने के लिए कहता है। ये सब देखकर माइकल पुराने टाइम वाले माइकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर रियल टाइम वाला माइकल अपने डैड के पास जाकर उन्हें गुड बाय कहता है। फिर वो अपने रियल टाइम में आकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। मॉडी कहता है मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जिसे सुनकर माइकल उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा। तब मॉडी उसे बताता है मैं एक एंजल हूँ और लोगों की सोल यहाँ से ले जाने का काम करता हूँ। ये सुनने के बाद माइकल काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपने रिमोट का बटन दबाकर अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पर वो देखता है उसके बेटे की शादी हो रही है, वो शादी में स्पीच दे रहा है और अपनी एक्स वाइफ के साथ डांस करता है। फिर उसे हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पर उसकी बेटी समानता और केविन उसे मिलने के लिए आते हैं। वो केविन से कहता है तुम हनीमून पर नहीं गए। तब केविन उससे कहता है एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए मैंने हनीमून को कैंसिल कर दिया। माइकल उसे समझाता है हमेशा अपनी फैमिली को टाइम दो लेकिन तभी केविन को मीटिंग का कॉल आ जाता है और वो वहां से जाने लगता है। माइकल उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। मॉडी उसे ऐसा करने से रोकता है और वापस बेड पर लेटने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसके पीछे जाने लगता है।
लेकिन केविन अपनी कार में बैठ चुका होता है। माइकल उसके पीछे पीछे भागने लगता है, फिर वो गिर जाता है, जिसे देखकर काफ़ी सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। फिर केविन समांथा और उसकी एक्स वाइफ भी उसके पास आ जाती है। फिर वो केविन से कहता है, मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी सारे साल बर्बाद कर दिए, तुम ऐसा मत करो, हमेशा अपनी फैमिली को टाइम दो। इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ से कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। तभी वहाँ पर मॉडी आ जाता है और वो उससे कहता है चलने का टाइम हो गया, और वो उसकी सोल को लेकर चला जाता है। माइकल की मौत होने के बाद सभी लोग रोने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में माइकल देखता है वो एक बेड पर लेटा हुआ है। जब वो उठता है तब वो देखता है वो अपने उसी टाइम में वापस आ चुका था जहाँ से उसे रिमोट मिलने वाला था। फिर वो उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे दोस्ती भी कर लेता है। अब उसे फैमिली का मतलब समझ में आ चुका था। फिर वो जाकर अपने मॉम डैड से मिलता है और उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद वो घर पर आकर शोर मचाने लगता है, जिससे सभी लोग उठ जाते हैं। और वो अपनी वाइफ से कहता है जल्दी से ट्रिप पर जाने की तैयारी करो। फिर वो अपने रूम में जाकर मॉम डैड को कॉल करता है। तभी वो देखता है वही रिमोट टेबल पर रखा हुआ है और उसके साथ मॉडी का एक नोट भी रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था एक अच्छे इंसान को लाइफ में एक और मौका मिलना चाहिए। जिसे पढ़ने के बाद माइकल समझ जाता है वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ रियल था। फिर माइकल उस रिमोट को डस्टबिन में डाल देता है। फिर वो अच्छे से अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने लगता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।